जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्ट टू। आइए देख लेते हैं आर्ट टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ध्यान दीजिए, आर्ट टू का प्रयोग हम लोग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए। क्या हमारा ड्यूटी है, हम उसके लिए आर्ट टू का यूज करते हैं। जैसे वी आर टू लव आवर कंट्री, वी आर टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। जैसे ऐसे ही होता है, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो आर्ट टू का प्रयोग हम लोग नैतिक मूल्य के लिए करते हैं, नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं मस्ट। मस्ट माने अवश्य होता है। मस्ट का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, रूल नंबर वन देख लेते हैं। रूल नंबर वन, मस्ट का प्रयोग हम लोग कंपल्सन, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रूल नंबर वन का प्रयोग हम लोग कंपल्सन, बाध्यता के लिए करते हैं। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट को अवश्य ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया है। अगला हम लोग रूल देखेंगे, रूल नंबर टू, मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप अवश्य जीतेगी, इंडिया वर्ल्ड कप अवश्य जीतेगी। तो हम लोग मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादे के लिए करते हैं। अगला रूल हम लोग देखेंगे, रूल नंबर थ्री, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे अ सोल्डर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अ सोल्डर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना अवश्य लड़ना चाहिए, एक सैनिक को अपने देश के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। यहाँ पे कर्तव्य दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? कर्तव्य दिखाया जा रहा है। आगे आइए हम लोग देख लेते हैं यूज टू का प्रयोग, हाउ टू यूज यूज टू। ठीक है, यूज टू का प्रयोग देख लेते हैं। यूज टू का प्रयोग हम पास्ट के हैबिट या सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM। तो यहाँ पे देखिए, वह 10 बजे तक अध्ययन किया करता था, वह 10 बजे तक अध्ययन किया करता था। यहाँ पे पास्ट के हैबिट को दिखाया जा रहा है या सिचुएशन को दिखाया जा रहा है। यूज टू आर यूजेज टू का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट रूल, प्रेजेंट टेंस के या प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए व्यक्त नहीं करते हैं। अर्थात ये नहीं कि पास्ट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यूज टू, तो प्रेजेंट के लिए यूज टू या यूजेज टू, ये प्रयोग नहीं होता। ये प्रेजेंट के लिए यूज टू का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे हम लोग देख लेंगे, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट के रूटीन को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूजेज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, यूजेज टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये वाला सेकेंड सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। आगे नोट में हम लोग लिखेंगे, यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव में हम लोग किस तरीके से करते हैं, ही यूज टू कम हियर, ही यूज टू कम हियर, वह यहाँ आया करता था। निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, यूज टू, यूज नाट, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग करेंगे ही यूज नाट टू कम हियर, ही यूज नाट टू कम हियर, या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ही डिड नाट यूज टू कम हियर, ही डिड नाट यूज टू कम हियर। तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव सेंटेंस को इस दो तरीके से कर सकते हैं। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज ही टू कम हियर या तो ऐसे बना लीजिए, या तो डिड ही यूज टू कम हियर, या इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं वर्ब प्लस यूज टू। अगर वर्ब प्लस यूज टू के बाद कोई वर्ब आता है, तो हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं।
हम किसका यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और ये हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन। जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में लेट उठा करता हूँ या देर से उठा करता हूँ। तो देखिए, यूज टू के पहले आपका वर्ब आया है और वर्ब के बाद आपका ये वर्ब आया है, ठीक है, यूज टू के बाद आपका ये वर्ब आया है, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में। नोट, कई वर्ब्स एंड एडजेक्टिव या फ्रेजेस के बाद टू का प्रयोग होता है, और यहाँ पे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को। जैसे देखिए, बी यूज टू, बी यूज टू हो जाए आपका, चाहे अकस्टम्ड टू, अवर्स टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्शन एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, इन सब के बाद हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। देखिए, ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट वेन ही वॉज इन लंदन। तो देखिए, यूज टू के बाद वर्ब का आई एन जी फॉर्म आया हुआ है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, आई एन जी फॉर्म। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं, डेयर और नीड का प्रयोग, डेयर और नीड का प्रयोग। ध्यान दीजिए, डेयर का मतलब होता है दुस्साहस व्यक्त करना, या नीड का प्रयोग जरूरत, अर्थात डेयर का मतलब हिम्मत करना, नीड का प्रयोग जरूरत के लिए यूज किया जाता है। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और मॉडल के रूप में, दोनों में किया जाता है, ठीक है। जैसे ही नीड्स मी, ही नीड्स मी, यहाँ पर ये मेन वर्ब का कार्य करता है। बट अगर कहा जाए सी डज नॉट डेयर dare to go there, यहाँ पे she does not dare to go there, तो यहाँ पे dare भी main verb का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, main verb का। अब देखिए, you need not come tomorrow, you need not come tomorrow। अब देखिए, not के पहले आपका ये आ गया need, तो ये model का कार्य करने लगा। किसका कार्य करने लगा, model का कार्य करने लगा। तो ध्यान दीजिए, need and dare का प्रयोग model के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग इसका प्रयोग मॉडल के रूप में नहीं करते हैं। जैसे आई नीड हेल्प हिम गलत हो जाएगा, आई नीड हेल्प हिम गलत हो जाएगा, आई नीड टू हेल्प हिम, आई नीड टू हेल्प हिम मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, आई नीड टू हेल्प हिम। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगर डेयर और नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में हो तो इसके बाद टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। जैसे ही विल नॉट डेयर टू कम हियर, ही विल नॉट डेयर टू कम हियर। तो ध्यान दीजिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में या नीड या डेयर आया हुआ है तो इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग। अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे आई नीड नॉट कम टुमारो, आई नीड नॉट कम टुमारो। आगे दिया हुआ है, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, He dare not cheat anyone again। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, निवेदन के लिए निम्न मॉडल का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। निवेदन के लिए अगर आपको किसी से निवेदन करना है तो हम लोग इस तरीके से मॉडल का यूज करते हैं। जैसे कैन का यूज करते हैं, कैन का यूज फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, हम लोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंड से रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं कैन का प्रयोग। कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई टेक योर बाइक। अगर आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है, औपचारिक रिक्वेस्ट करना है, तो हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह। मे का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट
के लिए करते हैं, अगर मे का प्रयोग किया जा रहा है तो रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है और रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है और रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है। वुड का प्रयोग हम लोग पोलाइटली करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं विनम्रतापूर्वक तो हम लोग वुड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, इस तरीके से कर लेते हैं। आगे देख लीजिए, विभिन्न काल में वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फार्मूले में प्रयुक्त होते हैं, विभिन्न काल में वॉइस में मॉडल अलग अलग फार्मूले में यूज किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, मॉडल्स का प्रयोग हम लोग कैसे कर लेते हैं। इधर देखिए, इन्फिनिटिव में हम लोग सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, बट पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म चलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, ठीक है। कंटीन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म यूज होता है। किसका यूज होता है, वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है मॉडल के। आगे हम लोग परफेक्ट में देख लेते हैं, परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये किसमें होता है, एक्टिव वॉइस में। बट पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे हो जाएगा, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो आप ध्यान दीजिएगा, मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडल के तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट के रूप में कैसे विशेष अर्थ में किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन, तो वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, तो यहाँ पे मीनिंग हुआ आई हैड द एबिलिटी, मेरे पास क्षमता थी गुड मार्क्स स्कोर करने का। बट अगर मैं कहूँ आई कुड हैव स्कोर गुड मार्क्स, तो यहाँ पे क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, क्षमता तो है लेकिन स्कोर नहीं किया गया है, आई डिडंट स्कोर दो आई हैड द एबिलिटी, अर्थात एबिलिटी है, क्षमता है लेकिन मैं वैसा किया नहीं, अर्थात आई कुड हैव स्कोर गुड मार्क्स, मैं अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता था या प्राप्त कर सकता था बट ऐसा किया नहीं। आगे हम लोग देख लेंगे, वी शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे जस्ट अ सजेशन का यूज किया गया है, सजेशन के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर लिए हैं। किसका प्रयोग कर लिए हैं, शुड का, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक। आइए हम लोग देख लेते हैं, यू शुड हैव वर्क्ड हार्ड, इसमें हिडन मीनिंग क्या है, यू डिडंट, तो ध्यान दीजिए, यू शुड हैव वर्क्ड हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड मतलब कठिन कार्य करना चाहिए था, ये हिडन मीनिंग है, यू डिडंट, लेकिन तुमने किया नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे आपका डू हो गया, हैव हो गया, बी हो गया, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, दोनों का कार्य करते हैं। जैसे डू का फॉर्म होता है तीन, डू या डज होता है, डिड होता है, डन होता है, ठीक है। जैसे आई डू माय वर्क, तो यहाँ पे डू मेन वर्ब का कार्य करने लगा। I did not know him. अब यहाँ पे did जो है helping verb का कार्य करने लगा, ठीक है। तो जो ये do है, do के जो तीनों form हैं, ये do जो है main verb का भी कार्य करता है और helping verb का भी कार्य करता है। आगे देख लेते हैं, have के तीन form होते हैं, have या has हो गया, had और had हो गया, तीन form हो गए। और have का प्रयोग हम लोग possession अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। जैसे I have a car, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब का कार्य करने लगा। कितने क
कौन सा कार्य कर रहा है? मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। और हैव का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम या आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे देखिए हैड और हैव का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं। आगे ध्यान देंगे हम लोग हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग हम लोग फोर्स्ड एक्शन के लिए किया जाता है, दबाव में किया जाने वाले कार्य के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन कार्य करना है, मतलब दबाव की दिया जा रहा है कि आपको कठिन कार्य करना है। जैसे शी हैड टू लीव हियर जॉब, सॉरी लीव हर जॉब, तो ध्यान दीजिए उसे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दबाव दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? फोर्ड किया जा रहा है कि आपको यह कार्य नहीं करना है। तो वहाँ के लिए हम लोग हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लेते हैं। बी का ये देख लेते हैं फॉर्म। बी आपका एज आई एम आर होता है, वॉज वर्ब होता है, बीन होता है तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है और मेन वर्ब का भी कार्य करता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, अब यहाँ पे आई एम जो है मेन वर्ब का कार्य करने लगा। जैसे ही वॉज वर्किंग हार्ड, अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का कार्य करने लगा। ये अगला दिया हुआ है ही हैज़ बीन टू लंदन, अब यहाँ पे ही हैज़ बीन, बीन जो है आपका मेन वर्ब का कार्य करने लगा। कौन सा कार्य कर रहा है? मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हैज़, डू, हैव और बी के फॉर्म को देखें, ये मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करते हैं। आगे हम लोग मेन वर्ब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।